दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनर। मैं हूँ आशीष चेक। तो आज हम लोग बात करेंगे नई मूवी के बारे में जो कि रिलीज हुई है, जिसका नाम है ड्रीम गर्ल। और मुझे इतना ही बोलूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आयुष्मान खुराना अपनी लाइफ के अपने करियर के सबसे बेस्ट साल जी रहे, क्योंकि वो एक के बाद एक हिट मूवी दे रहे और ये भी उनके करियर की एक हिट मूवी होने वाली है। ये 100 करोड़ को तो इजीली पार कर देगी, देखते उसके बाद वो कितना कमाती। लेकिन फिर भी मैं आप लोग इतना बोलूँ की कहानी के नाम पे बहुत ही सिंपल सी स्टोरी, लेकिन एग्जीक्यूशन स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है। और मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने कि मूवी इतनी ज्यादा कॉमेडी होगी, इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग होगी। और सीरियसली जब ये मूवी देखकर मैं निकला बाहर, तो मैं ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा मूवी देखने आऊँ, क्योंकि मैं इतना मुझे अंदर से इतना सेटिस्फेक्शन हुआ ये फिल्म देख के। मैं आपको बिल्कुल, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बताने के लिए। आयुष्मान खुराना तो आजकल किंग ऑफ कंटेंट हो चुके हैं एंटरटेनमेंट, मतलब जो आप उनको कह सकते हो, क्योंकि ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट है। आयुष्मान खुराना पूरी फिल्म में स्टार्ट से एंड तक छाए हुए। उसके अलावा इसमें अन्नू कपूर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा। अन्नू कपूर की बात करें तो यार अन्नू कपूर जी तो यार रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लेकिन आयुष्मान खुराना तो आजकल ऐसा हो गया कि जैसे मतलब हिट की गारंटी हो गई और लोग उनके इतने ज्यादा फैन होते हैं। और ये मूवी पूरा हाउसफुल थी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये मूवी हाउसफुल थी। और जो लोग भी मूवी देखे निकले सब लोग इस मूवी की तारीफ भी करे। कहानी सिंपल सी है कि आयुष्मान खुराना एक एजुकेटेड बंदा है, उनके पास जॉब नहीं है, तो वो रामलीला में एज ए सीता का रोल प्ले करे, किसी के अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन वो उनको एक कॉल सेंटर में जॉब लगती, क्यों लगती, क्योंकि वो लड़की की आवाज बहुत अच्छी से निकालते हैं। लेकिन कॉल सेंटर में जॉब लगने के बाद जब वो एक लड़की है कैरेक्टर पूजा है कैरेक्टर से, वो लोग तो कितने लोग उनसे प्यार करने लगते हैं, वो कौन से लोग हैं और उसके बाद सिचुएशन क्या क्या होती है यार, बहुत फनी। क्योंकि मैं आप लोग बता नहीं पा रहा ये मूवी में फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ तक मतलब पूरा थ्रू आउट पीरियड सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही है। डायलॉग काफी फनी है यार, मुझे पर्सनली कॉमेडी चीजें बहुत पसंद आती है और मेरे लिए पर्सनली ये मूवी बहुत ज्यादा सुपर सुपर से सुपर डुपर हिट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी 1, 2, 3, 4 बार जितनी बार देखेंगे उतना कम है, क्योंकि यार एक तो पहली बार तो फैमिली एंटरटेनमेंट है, दूसरी बार इसमें कॉमेडी सीन्स बहुत अच्छी है और जो डायलॉग है बहुत ही लाजवाब है। और परफॉर्मेंस तो एक हाई नोट, मैं तो बोलता हूँ आयुष्मान खुराना का एक मतलब उसे एक सुपरस्टार बनने में एक और ये हेल्प करेगा। और वो मतलब जो कंटेंट जिस तरीके से आयुष्मान खुराना ले रहे ना, वन ऑफ द बेस्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रोल उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था, जिस तरीके से उनका मेकअप है, जो गेटअप है, लास्ट जवाब है। तो मैं तो इतना बोलूंगा ये मूवी जाके जरूर देखा। अगर आप लोग ये मूवी मिस करोगे तो आपको लगे आप समझ लो बहुत बड़ी चीज मिस करोगे, क्योंकि कॉमेडी चीज और अच्छी चीज देखना तो ये मूवी जाके जरूर देखना उसके। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूंगा कि मुझे विजय राज का रोल भी अच्छा लगा और नुसरत भरूचा की तरह ठीक ठाक है। मुझे ये मूवी की थ्रू आउट द वे जान आयुष्मान खुराना है और अन्नू कपूर है, और उसके साथ साथ जितने भी सपोर्टिंग कर चाहे विजय राज और नुसरत भरूचा और सबका किरदार बहुत ही अच्छा। और ये भी एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, प्लस डायरेक्शन बहुत अच्छा है। आप देखना है कि ये मूवी लोगों को इतनी पसंद आती है, क्योंकि पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। और मैं तो बस इतना ही बोलूंगा यार ये मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग समझ लो कुछ नहीं देखा, बस इतना सा बोलूंगा ये मूवी आगे जरूर देखना। और अगर आपको ये मूवी पसंद आती तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार भाई इस वीडियो में इतना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो यार लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे कल किसी नए वीडियो का, टिल देन बाय।